हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेशन। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए क्लास में आइए सभी लोग और करते हैं यहाँ पर एनएचपीसी के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के 6 अप्रैल 2022 का पेपर रहेगा और यहाँ पर करेंगे इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व। पेपर का लेवल बहुत ही आसान, एकदम अत्यंत वाहियात क्वेश्चन, अत्यंत ही सरल क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी, सभी लोग क्लास में जल्दी जल्दी आते हैं। अच्छा शशि जी, आप पांचवे से ही क्लास में बैठे हैं। चलो यार, अब आप ये सोचिए कि आप पांचवे से क्लास में बैठे हैं लेकिन टीचरों को सोचिए जो पढ़ा रहे हैं तब से। तो हम और तुम बराबर ही काम कर रहे हैं, ठीक है, हम और आप बराबर ही काम कर रहे हैं। तो इसमें मत सोचिए कि 5 बजे क्लास में बैठे हैं, 6 बजे बैठे हैं। पढ़ते रहिए, उठिए चलिए और उठिए जागिए और चलिए जब तक मंजिल की प्राप्ति ना हो जाए। तो चलिए एनएचपीसी जेई 6 अप्रैल 2022 का ऑफिशियल पेपर करते हैं सॉल्व। टेलीग्राम का चैनल मेरा ज्वाइन करिएगा, राहुल मिश्रा सर टेक्स्ट बुक और टेक्स्ट बुक इंजीनियरिंग, जो हमारी सुपर कोचिंग का ग्रुप है, जरूर ज्वाइन सभी लोग करेंगे। जल्दी जल्दी फास्ट सभी लोग क्लास को ज्वाइन करते हैं। गाइस गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सेशन। ठीक है, जितने भी लोग क्लास में आए हैं सब लोग फटाफट सेशन को शेयर कर दें दोस्तों के साथ और करेंगे मिलकर यहाँ पर खास क्वेश्चन। और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं AJEE का कोई भी कोर्स लेना, अगर आप चाहते हैं AE का, JEE का या फिर SSC JEE का कोर्स लेना या फिर BARC का कोई भी कोर्स लेना, Category 1 या फिर Category 2 का, तो वीडियो के नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, करेंगे क्लिक, अप्लाई करेंगे कोड आर मिश्रा और मिलेगा अच्छा खासा डिस्काउंट, 20-25% का आपको डिस्काउंट यहाँ पर अप टू मिल जाएगा। तो सब लोग जल्दी जल्दी सेशन को ज्वाइन करते हैं। श्रवण जी, सुब्रदा, शुभम, शशि, सभी को गुड इवनिंग, वेलकम टू द सेशन। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर जो रहा वो रहा ये, पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा वो रहा ये। ये देखो भाई साहब, पहले आंसर फिर गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, पहले आंसर फिर गुड इवनिंग, दिस शुड बी द स्पिरिट, यही चाह होनी चाहिए और जहां चाह है वहां राह है। चलो भाई, द रेशियो ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम 4 degrees Celsius टू टी एंड फ्रॉम टी टू 10 degrees Celsius इज टू, व्हाट इज टी, 8 degree। बहुत बढ़िया, क्या जाएगा बच्चे, 8 degree, क्या जाएगा 8 degree, बहुत बढ़िया। कैसे आ जाएगा देखिए, द रेशियो ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल्टा यू वन अपॉन डेल्टा यू टू, और ये होता क्या भाई, होता क्या बच्चे, एम सी डेल्टा टी वन अपॉन एम सी डेल्टा टी टू। देखो अब सब्सटेंस एक ही है, क्या है, ए सब्सटेंस, अगर सब्सटेंस एक ही सब्सटेंस है तो एम वन बराबर एम टू हो जाएगा और C1 बराबर C2 हो जाएगा, क्योंकि सब्सटेंस तो एक ही है, तो M1 C1 M2 C2 ये दोनों बराबर हो जाएंगे और कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे। और डेल्टा T, अब देखिए डेल्टा T1 बच्चे क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि T-4 कितना आ जाएगा, T-4 डिवाइडेड बाय 10 माइनस टी दैट इज इक्वल टू 2, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देख लीजिएगा, सॉल्व करेंगे, आपको पूरा बेसिक से बता दे रहा हूं। सो T-4 इज इक्वल टू 20 माइनस टू टी, सो ये जाएगा t इधर, ये आएगा 24 इज इक्वल टू 3t, सो t का मतलब आ जाएगा 8 degree Celsius। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हाँ अंकित शर्मा जी दोस्त, ये क्वेश्चन जो है वो ऑफिशियल पेपर का है एनएचपीसी जेई 6 अप्रैल 2022। यू कैन डाउनलोड द पेपर फ्रॉम टेक्स्ट बुक वेबसाइट एंड यू कैन चेक इट। चलिए सभी को नमस्कार, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें सभी को। तो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रोटरी पंप, तो कभी इंपैक्ट पंप का नाम सुने हो क्या, इंपैक्ट पंप का कोई नाम सुने हो, नहीं सुना है सर, तो ये कोई रोटरी पंप नहीं होता। बाकी मिक्स्ड फ्लो, सेंट्रीफ्यूगल पंप, एक्सियल फ्लो पंप, ये सब हमने सुना है लेकिन इंपैक्ट फ्लो का कभी नाम नहीं सुना। कर लो भाई, कर लो, जिंदगी में जो मन करे कर लो यार, जो जितना तुम्हारी हद में हो कर लो। तो बीम इंजन जो है वो किसका मैकेनिज्म, किसका इन्वर्जन है बच्चे बताएंगे, बीम इंजन किसका इन्वर्जन है। हेलो सोबेक, हेलो सोबेक डे, हाउ आर यू डियर। बीम इंजन किसका इन्वर्जन है, तो बीम इंजन देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बुल इंजन एंड बीम इंजन।
बीम इंजन किसका मैकेनिज्म है? क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म। कैसा मैकेनिज्म है? क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म। और किसका इन्वर्जन है? तो ये जो इन्वर्जन है ना, ये फोर बार का है। किसका इन्वर्जन है बच्चे? फोर बार का। किसका इन्वर्जन है? फोर बार का इन्वर्जन है। फोर बार का इन्वर्जन है बीम इंजन। कुछ ऐसा आपने देखा होगा, ये है आपका एक बीम ऐसा इधर, और ये है आपका एक लीवर ऐसा इधर, और ये है आपका एक कनेक्टिंग रॉड, ये है आपका एक क्रैंक, ये रोटेट कर रहा है और ये रेसिप्रोकेट कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, इसे बोलते हैं बीम इंजन। यहाँ पे क्रैंक क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। दिस क्रैंक इज रोटेटिंग, ठीक है, और ये रेसिप्रोकेट कर रहा है। तो क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म। अच्छा, व्हाई इट इज कॉल्ड क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म? बिकॉज हियर दिस इज द शॉर्टेस्ट लिंक क्रैंक, एंड हियर द लिंक एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट इज फिक्स्ड। शॉर्टेस्ट के बगल वाला फिक्स्ड है इन अ फोर बार चेन फॉलोइंग ग्रेशोफ लॉ। व्हेनेवर द लिंक एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट इज फिक्स्ड, वी ऑलवेज गेट अ क्रैंक एंड रॉकर मैकेनिज्म। सो दिस इज गोना बी द क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म। ओके अच्छा वहां पे हो, बहुत बढ़िया। द क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल इज डिनोटेड बाय द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ, सेकंड लॉ। क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ एंट्रोपी, द क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल इज डिनोटेड बाय, गाइज इजिली यू कैन टिक हियर द आंसर इज सेकंड लॉ, बिकॉज यू नो दैट एंट्रोपी इज अ, एंट्रोपी इज प्रोड्यूस्ड बाय सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंट्रोपी इज अ कंसेप्ट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आप सभी को इतना तो पता है कि यार एंट्रोपी की वजह से जो एंट्रोपी आया वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वजह से आया। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है, माय क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल, व्हाट इज द क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल। तो क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल बेसिकली सेज दैट फॉर अ रियल प्रोसेस एग्जिस्टिंग इन द यूनिवर्स, द एंट्रोपी चेंज विल ईदर बी equal to zero or it will be equal to always greater than zero. For any practical process which is existing in the universe, the entropy change will always be greater than zero. Practical means irreversible. Or agar wo reversible hua, to entropy change will always be equal to zero. Okay? Principle of increase of entropy of universe. Because universe is isolated system, actual system, practical system. So kya jayega? Second law. Next. बहुत बढ़िया दीदी की तुम्हारी शादी हो गई तुषार, तो मम्मी आपसे खाना बनवाती है, तो आपके लिए इज्जत की बात है कि मम्मी ने आपको इस काबिल तो समझा कि आपको कोई काम दिया। मम्मी जिंदगी में जो काम सौंपे खुशी खुशी करो, खुशी खुशी, उनसे बेहतर कोई काम ही नहीं जिंदगी में। जिस जो काम मम्मी ने कह दिया उससे उससे बड़ी आज्ञा दुनिया में कुछ है नहीं। सबसे सुंदर काम, किस्मत वालों को ऐसा मौका मिलता है। चलो, फॉर इरोटेशनल फ्लो द बर्नौलीज कॉन्स्टेंट इज डिफरेंट एवरीवेयर, कॉन्स्टेंट जीरो, द सेम एवरीवेयर। बर्नौली कांस्टेंट P1 अपॉन P बाई रो जी B2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। यू कैन अप्लाई P1 बाई रो जी V1 स्क्वायर बाई 2G Z1 इज इक्वल टू P2 बाई रो जी P3 V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2 इज इक्वल टू P3 बाई रो जी प्लस V3 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z3। एवरीवेयर यू कैन अप्लाई द बर्नौली कांस्टेंट इज सेम एवरीवेयर। नेक्स्ट, बिल्कुल डियर तुषार, बिल्कुल आएंगे। कहाँ के हैं तुषार जी आप बताइए, हम पहुंच जाएंगे कल ही यार, ऐसी क्या बात है, अब बताओ तो कहाँ के हो। सोल्डरिंग फ्लक्सेस परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क, तो जो सोल्डरिंग के फ्लक्स होते हैं वो कौन सा टास्क परफॉर्म करते हैं? अच्छा, लखनऊ के हैं, चलो बहुत बढ़िया। बताइए बच्चे, जो सोल्डरिंग के फ्लक्सेस हैं वो क्या परफॉर्म करते हैं? बताइए,
बच्चे जो सोल्डरिंग के फ्लक्स है ना वो प्रमोट करते हैं जो पेइंग सर्फेसेस हैं, यानी कि जो सरफेस ज्वाइंट होने वाली हैं उनको वेट करते हैं, उनको उनका वेटिंग प्रमोट करते हैं। जो सोल्डरिंग के सरफेस होते हैं, जो सोल्डरिंग फ्लक्स होते हैं, वो क्या परफॉर्म करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क, यानी कि जो सरफेस ज्वाइंट होने वाली हैं उनका वेटिंग, उनकी वेटिंग को प्रमोट करते हैं। फ्लक्स जब मेल्ट होंगे तो उनकी वेटिंग को प्रमोट करेंगे। सो ऑप्शन हियर विल बी ए, इट इज नॉट डी। नेक्स्ट, द फ्लो इज ऑब्जर्व टू बी लैमिनार टिल अ रेनॉल्ड्स नंबर वैल्यू ऑफ अबाउट, टिल अ रेनॉल्ड नंबर ऑफ वैल्यू अबाउट, टिल टिल टिल। अरे यार, दाल चावल भी तो किस्मत वालों को मिलता है यार कुलदीप, कैसी बातें कर रहे हो। प्रेम से कुछ भी खिला दो जहर छोड़ के। जब हम आएंगे तो खाने की पीने की व्यवस्था रखना, खाने पीने की व्यवस्था रखे रहना यार बढ़िया से, चाहे दाल चावल हो चाहे जो भी हो। ओके, द फ्लो इज ऑब्जर्व टू बी लैमिनार टिल अ रेनॉल्ड नंबर वैल्यू ऑफ अबाउट। कब तक? 2300 तक। कहां तक? 2300 तक। 5000 टर्बुलेंट, 7000 टर्बुलेंट, 1000 पे लैमिनार तो होगा, लेकिन पूछा कि कहां तक लैमिनार होगा। सो 2000 से 4000 के बीच में फेज का ट्रांजिशन हो रहा है, और फेज के ट्रांजिशन में भी एक सब लैमिनार बाउंड्री लेयर बनती है, तो लगभग 2300 तक फ्लो आपका लैमिनार आप कह सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर। अबे पागल वागल हो क्या तुम, कैसी बातें कर रहे हो। कैसी बातें करो भाई। डैश फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ रो इन अ टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है रो पर। चलो यार टग ऑफ वॉर कर लेते हैं। ये कुलदीप हुआ है, यानी कि कुलदीप है, और ये कुलदीपा, ये कौन कुलदीप, और ये कुलदीपा। टग ऑफ वॉर हो रही है, टग ऑफ वॉर हो रही। बात लड़ाई इस बात पे है कि तुमने मुझे सिर्फ 2 साल का वक्त दिया था, लेकिन अब 4 साल हो गए, अब पापा ने कहीं और, पापा ने मुझे कहीं और आइसोलेट करने का फैसला किया है। अब आइसोलेट हो जाऊंगी, तुम जिंदगी से दूर रहना। तो टग ऑफ वॉर चल रही है, ये इधर खींच रहा, ये इधर खींच रही है। तो ये जो फोर्स लग रहा है ना वो कैसे लग रहा है, कोलिनियर, यानी कि एक ही पॉइंट के अलोंग फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है, इसे बोलते हैं कोलिनियर फोर्स। क्या बोलते हैं? कोलिनियर फोर्स। अ रॉड ऑफ लेंथ 150 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ 20 किलो न्यूटन। इफ द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द रॉड मटेरियल इज 210^5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, डिटरमाइन द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द रॉड। तो रॉड में जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो आपको बताना है। यस, टग ऑफ वॉर में जो फोर्सेज होंगे वो कोलिनियर होंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। कहेगा प्राची बोल रही है सी, और कोई के बोला सी, वसंत सी, कुलदीप दत्ता सी, सोहित यादव सी, और कोई, दीपक सी। ओके वेरी गुड। तो बच्चे स्ट्रेस क्या आ जाएगा, डेवलप स्ट्रेस आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। क्या आ जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना लग रहा है भाई साहब? फोर्स लग रहा है 20 किलो न्यूटन। हियर आंसर इज इन न्यूटन, so I have to put 20 × 10^3, now it is in newton, again I have to take mm square, kitna rakhna padega mm square, so area will be equal to pi by 4 or I am going to write pi r square, pi by 4 d square ya pi r square same, so pi r square I am going to write here, so dia is 2 cm, I have to get the answer in mm, 2 cm ka matlab hota hai 20 mm,
but this is dia, but I am going to take pi r square, means 10, dia 20 है, तो radius क्या आ जाएगा, 10, तो pi into 10 का square आ जाएगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 10 की power 3, 10 की power 4 है, तो ये कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 200, और नीचे आ जाएगा pi, 200 बटे पाई, यानी कि 200 बटे 3 पॉइंट समथिंग, 3.14159.2456, तो ये है पाई की वैल्यू, तो यहाँ पे आप इसको रखेंगे 3 पॉइंट समथिंग, तो आपका आंसर आ जाएगा 63, ठीक है, वेरी नाइस। अगेन क्वेश्चन पे, डैश इज रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉयलर बाय ब्लो डाउन वॉल्व, तो ब्लो डाउन वॉल्व से हम क्या निकालते हैं, सुब्रत दास जी 7 बजे क्लास नहीं हुई, भंडारे में गए थे क्या सुब्रत जी, सुबह से व्रत थे और भंडारे में गए थे क्या, 7 से क्लास अभी नहीं चली 8 तक, मतलब मेरा मेरे गले की हड्डी बाहर आने को है और आप बोल रहे हो सर क्लास ही नहीं चली 7 से 8 तक, क्या यार ऐसा करेगा क्या बिड़ू, ऐसा करेगा क्या, क्या रिमूव करते हैं भाई ब्लो डाउन वॉल्व से बताओ, क्या रिमूव करते हैं ब्लो डाउन वॉल्व से, तो ब्लो डाउन वॉल्व से हम रिमूव करते हैं स्लज, स्लज का मतलब होता है बच्चे मड या फिर सेडिमेंट्स या फिर गंदगी, क्या रिमूव करते हैं, कूड़ा गंदगी सेडिमेंट, सेडिमेंट्स मड, ये सब स्लज को हम डिसिपेट करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, नॉट डिसिपेट डिस्चार्ज। नोटिफिकेशन नहीं मिला डियर, अरे वड़ा पाव क्या खा ले, गुड, विच प्रोसेस यूजेस अ मॉल्टन मेटल बाथ फॉर ब्रेजिंग, तो ब्रेजिंग के लिए मॉल्टन मेटल का बाथ जिसमें आप यूज करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिप ब्रेजिंग, एंड नाउ यू विल टेल मी व्हाट इज डिप ब्रेजिंग इन योर इन माय कमेंट बॉक्स, व्हाट इज द मेन सलाइन फीचर ऑफ द डिप ब्रेजिंग, और ब्रेजिंग जो अब आप करते हैं इसमें जो मेटल का फ्लो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ कैपिलरिटी एक्शन, टेम्परेचर 450 डिग्री से ऊपर होता है, ठीक है, तो जो मेन फ्लक्स हम यूज करते हैं ब्रेजिंग में दैट इज बोरेक्स, और जो आपका फ्लो होता है वो कैपिलरी एक्शन की वजह से होता है, टेम्परेचर 450 से ऊपर होता है, 450 से नीचे रहेगा तो सोल्डरिंग होगा, उससे ऊपर रहेगा तो ब्रेजिंग होगा, मेटल का फ्लो बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन, व्हाट इज डिप ब्रेजिंग, नाउ यू टेल मी, ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ बार्स ऑफ कंपोजिट सेक्शन आर शोन इन द गिवन फिगर द मॉड्यूलर रेशियो इज डिफाइंड एज, व्हाट इज द मॉड्यूलर रेशियो, व्हाट इज द मॉड्यूलर रेशियो, नहीं इसमें नहीं आएगा जनरल इंजीनियरिंग, इसमें जनरल इंजीनियरिंग नहीं आएगा गाइस, अगेन जो बच्चे एनएचपीसी के लिए अप्लाई ही, यू कैन अप्लाई फॉर बोथ एनएचपीसी एंड टीएचडीसी, बट फॉर एनएचपीसी ओनली, फॉर एनएचपीसी फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एनीवन कैन अप्लाई, बट टू अप्लाई इन टीएचडीसी यू शुड हैव डोमिसाइल ऑफ यूपी या उत्तराखंड, हाँ तो पिछली बार का ही है सर, ये 2022 का ही तो पेपर है, कितनी बार बोलूं, यस बच्चे मॉड्यूलर रेशियो क्या है, व्हाट इज मॉड्यूलर रेशियो, लुक सपोज दैट ये आपका है 1, ये क्या है बार 1 और ये क्या है बार 2, ठीक है बार 1 और बार 2, यहां पे आपने लोड अप्लाई किया, सो यंग्स मॉडुलस ऑफ बार 1 और यंग्स मॉडुलस ऑफ बार 2, इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड द मॉड्यूलर रेशियो, मॉड्यूलर मींस दिस इज द रेशियो ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, दिस इज द रेशियो ऑफ मॉड्यूलर रेशियो, दिस इज सम काइंड ऑफ रेशियो ऑफ मॉड्यूल लाइक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, so of 1 that of 2, next ultrasonic testing carried out to evaluate, evaluate ultrasonic kis liye karenge, ultrasonic with the help of ultrasonic rays, ultrasonic testing kiske liye karenge, kya hardness ke liye, toughness ke liye, cracks in the surface, अगर सरफेस के अंदर क्रैक है, इंटरनल क्रैक्स हैं, सरफेस इनसाइड द सरफेस, मतलब अगर क्रैक आपके सरफेस के अंदर है, देखिए अगर वेल्ड, अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं और वेल्डिंग में अगर सरफेस के ऊपर क्रैक है, तो बेसिकली यू कैन गो फॉर सम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट लाइक पेंट, आप उसके ऊपर आप कोई केमिकल स्प्रे कर सकते हैं, उससे आप उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, दैट इज फ्लोरोसेंट टेस्ट आप कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपका क्रैक सरफेस के अंदर है, लाइक अगर आपका मेटल के अंदर कहीं क्रैक है, तो बेसिकली आप उसे सरफेस टेस्ट से नहीं कर सकते, लाइक फ्लोरोसेंट टेस्ट वगैरह से आप उसे नहीं कर सकते, तो आपको उसकी एक रेडियोग्राफी करनी पड़ेगी, यानी कि उसका एक्सरे निकालना पड़ेगा कि इसकी हड्डी कहां कहां चटकी है, जब मैं वेल्डिंग कर रहा था तो इसकी हड्डी कहां कहां चटकी है, उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग या फिर रेडियोग्राफी टेस्ट। डैश इज आर कॉज्ड ड्यू टू द रिलीज ऑफ गैस ड्यूरिंग पोरिंग विच consists of small gas cavities,
हाँ डियर सरफेस क्रैक, तभी तो लिखा है ना इन, क्या लिखा था यार, क्या क्रैक्स इन द सरफेस, मतलब सरफेस के अंदर अगर क्रैक है। अब देखो यहां पे यार एनएचपीसी जेई का पेपर है, तो अगर सरफेस के ऊपर क्रैक है, लाइक सरफेस क्रैक अगर लिखा हो बेसिकली, तो आप उसके लिए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कर सकते हैं। और वैसे भी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग भी क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ही है, अल्ट्रासोनिक भी क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। तो बेसिकली हम ऐसा नहीं कि अगर आप ऊपर है तो नहीं कर सकते, अगर सरफेस क्रैक ऊपर है तब भी आप कर सकते हैं, बट अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करने से मिलेगा क्या, अगर हम फ्लोरोसेंट टेस्ट कर सकते हैं जो कि सस्ता है तो हम कर लेते हैं, बट अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग तो आप कहीं भी कर सकते हैं, चाहे क्रैक ऊपर हो, अब हड्डी चाहे ऊपर से टूटी हो चाहे अंदर से टूटी हो, एक्सरे तो कहीं से भी कर सकते हो, बट बेस्ट मेथड होता है सरफेस क्रैक का, हम सस्ता होता है फ्लोरोसेंट टेस्ट, तो हम वो कर लेते हैं। तो बच्चे इसे क्या बोलते हैं, पिन होल। पिन होल्स आर कॉज्ड ड्यू टू द रिलीज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग पोरिंग विच कंसिस्ट ऑफ स्मॉल गैस कैविटीज, यानी कि जैसे अगर आप कास्टिंग कर रहे हैं और आपका कोई स्मॉल गैस कैविटी है, वहां पर एयर कोई ट्रैप हो गई, तो जब वो एयर बाहर निकलेगी तो वहां पर छोटा सा होल क्रिएट करके जाएगी, दैट इज कॉल्ड द एयर एस्पिरेशन इफेक्ट इन कास्टिंग। तो एयर एस्पिरेशन यानी कि एयर को एस्पिरेट कर रही है, अंदर खींच रही है, तो एयर ट्रैप हो जाएगी, तो जब एयर ट्रैप होगी वहां बबल बन जाएंगे, जब वो बबल फूटेंगे तो वहां पर छोटा सा होल बन जाएगा, वहां से कास्टिंग स्ट्रक्चरली वीक हो जाएगी, तो इसे बोलते हैं पिन होल। क्या बोलते हैं, पिन होल। द कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन इन द इज इन द रेंज ऑफ, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन एवर आस्क्ड इन एनी एजेई गेट ईएससी एनएचपीसी एचपीसीएल बीपीसीएल, किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा टफेस्ट क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन एवर आस्क्ड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो कंप्रेशन रेशियो जो है, अंकित शर्मा जी दोस्त इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आ तो सकती है, हाँ आईएएस में ये, दिस इज इन द लिस्ट ऑफ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड थर्ड नंबर पे। कंप्रेशन रेशियो डीजल इंजन का किस रेंज में होता है बच्चे, तो 16 से 20 के रेंज में होता है, किसके रेंज में होता है, 16 से 20 के रेंज में कंप्रेशन रेशियो होता है डीजल इंजन का। तो अगर मैं बात करूं यहां पर डीजल का, तो पेट्रोल की बात कर लेता हूं, पेट्रोल नहीं एसआई इंजन की बात कर लूं, यानी कि पेट्रोल इंजन की ही बात कर लेता हूं, तो कंप्रेशन रेशियो, अब मैंने पेट्रोल हटा के एसआई लिख दिया ना, अब यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ये डाउट अभी नहीं आएगा, डाउट बच्चों को आएगा। कितना बज रहा है, 8:20 हो रहा है ना, 7 घंटे बाद, क्योंकि मैंने पेट्रोल हटा के एसआई लिख दिया ना, ठीक है बच्चे। पेट्रोल इंजन नहीं होता बेसिकली, वो उसका नाम है एसआई इंजन, जिसमें पेट्रोल एज अ फ्यूल यूज करते हैं। ऐसा अब ऐसा नहीं कि पेट्रोल इंजन बोल दो कि पाप हो जाएगा, मतलब कोई गोली मार देगा, बोलो यार कोई दिक्कत नहीं, अपनी जबान है जो बोलो। तो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है बच्चे, यहां से हम 5 से 10 लेते हैं जनरली, या कई किताबों में 6 से 10 भी लिखा हुआ है। अगर आप डीजल की बात करेंगे, तो इन्होंने लिखा है 16 से 20, लेकिन ये भी सही नहीं है, कई किताबों में 16 से 22 भी लिखा हुआ है। अगर आप ड्यूअल की बात करेंगे, तो ड्यूअल में हम कहां लेते हैं भैया, ड्यूअल में लेते हैं 12 से लेके 16 तक, कहां लेते हैं 12 से लेके 16। भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ 243 पर, ओके यू वांट टू नो द, ओके कुलदीप यू वांट द वैल्यू ऑफ कंप्रेशन रेशियो एट आइडलिंग एंड एट फुल लोड कंडीशन, वैल्यू ऑफ कंप्रेशन रेशियो यू वांट, कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू मांग रहे हैं आप आइडलिंग कंडीशन पे और पार्ट लोड पे, इन सब पे कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू, एफआर की वैल्यू मांग रहे हैं, एयर फ्यूल रेशियो, एयर फ्यूल रेशियो एंड कंडीशंस, क्या बात है सर। 3:1 ले लें, 3:1 से 4:1, 3:1 से 4:1 किसके लिए लेते हैं, कोल्ड स्टार्टिंग के लिए, दिस इज फॉर पेट्रोल इंजन, 9:1 से लेते हैं 10:1, दिस इज फॉर द आइडलिंग, इसके लिए आइडलिंग। एंड हाई लोड जो घर पे मिलता रहता है, हाई लोड 12.5:1, तो दिस इज फॉर मैक्सिमम पावर और यू कैन से व्हेन द बाइक इज एक्सीलरेटिंग, मैक्सिमम पावर और एक्सीलरेटिंग। 15:1 इट इज द केस ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो। 16:1 इट इज द लीन मिक्सचर, इट इज द लीन मिक्सचर। 16:1 क्या है, लीन मिक्सचर, एंड दिस इज बेसिकली एट नो लोड कंडीशन,
18 is to 1 is the maximum air fuel reaction mixture, maximum ratio of air fuel mixture above which the petrol will not work. 18 तक काम करेगा, 18 के बाद काम नहीं करेगा. So this is basic the ratio. अब आप डीजल का ही बोलेंगे, सर तो मैं इतना लिख नहीं पाऊंगा. डीजल का बोलेंगे, सर मैं इतना लिख नहीं पाऊंगा, मेरे हाथ में दर्द होता है, टेलीग्राम पे भेज दूंगा. ठीक है. क्वालिटी ऑफ पेट्रोल यूज्ड इज एक्सप्रेस्ड एज ऑक्टेन नंबर, पेट्रोल नंबर, सीटीएन नंबर. क्या ये पेट्रोल नंबर होगा क्या? यस डियर, वेटिंग फॉर दैट. ऑब्वियसली आई एम वेटिंग फॉर दैट. यस, पोरोसिटी मतलब पोरोसिटी. हाँ बिल्कुल, पोरोसिटी एंड पिन होल काइंड ऑफ सेम आदित्य. डिफरेंट डिफरेंट टर्म बट मीनिंग सेम. रिश्ता वही है, सोच नहीं है. ठीक है, क्योंकि आज जो कल सास थी वो आज बहू है, जो आज बहू है वो कल सास होगी. तो क्या होगा, रिश्ता वही है, सोच नहीं है. तो ये पेट्रोल नंबर है क्या? पेट्रोल नंबर ऑप्शन कोई लगाएगा क्या? पेट्रोल नंबर, पेट्रोल नंबर. क्वालिटी ऑफ पेट्रोल क्या होता है बच्चे? ऑक्टेन नंबर से डिनोट करते हैं. और ऑक्टेन जो होता है वो बेसिकली आइसो ऑक्टेन है. क्या है? आइसो ऑक्टेन, जिसका केमिकल फॉर्मूला है C8H18. इसमें एक फ्यूल और मिलाते हैं जो होता है एनहेप्टेन. क्या होता है? एनहेप्टेन. और इन दोनों को मिलाकर टेस्ट करते हैं. तो कैसे? इसका फॉर्मूला है C7H16. डीजल में होता है नॉर्मल C10, C16H34 एंड अल्फा मिथाइल नेप्थलीन. अगेन रिमेंबर, इट इज नॉट C10H11, इट इज C11H10. C11H10 अल्फा मिथाइल नेप्थलीन. नेक्स्ट, गुड इवनिंग सोविक, गुड इवनिंग. बता मेरे भाई, बता बता बता. सोच समझ के आंसर करना, नहीं तो उड़ जाओगे. सोच समझ के आंसर करना. थिंक बिफोर आंसरिंग, थिंक बिफोर आंसरिंग. कौन ऐसा है जो इसका आंसर कर पाएगा सही से? कैन नेवर बी जीरो. कुलदीप बोल रहे हैं बी 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 बी. द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी. आइसोलेटेड का मतलब नॉट श्योर वेदर इट इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. इट इज नॉट गिवन वेदर इट इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. बट वन थिंग इज फॉर श्योर दैट इट इज एडियाबैटिक. आइसोलेटेड मतलब मास ट्रांसफर जीरो, वर्क ट्रांसफर जीरो, हीट ट्रांसफर जीरो. तो जितना अभी तक हम इसमें से समझ पाए हैं वो ये, वी नो that only this portion that this is adiabatic. We are not sure whether it is reversible or irreversible. So reversible hai ya irreversible hai ye nahi pata, lekin sir ye zarur pata hai ki ye chahe jo bhi hai lekin adiabatic to hai, adiabatic to hai. Aur adiabatic ke do option hote hain. Ek hota hai reversible. Chahe duniya mein koi bhi process ho, either that will be reversible or that will be irreversible. If it is reversible, entropy change dq by t. If it is irreversible, एंट्रोपी चेंज डीक्यू बाई टी प्लस एंट्रोपी जनरेशन. नाउ इट इज एडियाबैटिक. अब ये एडियाबैटिक भी है. अब अगर एडियाबैटिक है तो ये डीक्यू क्या हो जाएगा? जीरो. और डीएस यहां पे हो जाएगा जीरो. और एस वन बराबर एस टू बराबर कॉन्स्टेंट आ जाएगा. और अगर ये इरिवर्सिबल एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक तो जीरो हो जाएगा. यहां पर डीएस प्रपोर्शनल टू या डीएस इक्वल टू एंट्रोपी जनरेशन आ जाएगा. एंट्रोपी जनरेशन दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव. Entropy generation always positive. It means in adiabatic process we are having only two options. Either the entropy can remain constant or it can increase. Adiabatic process में हमारे पास सिर्फ दो ही option है, या तो entropy बढ़ सकती है या तो constant रह सकती है. But it can never decrease. It can never be zero. It can never decrease. It can never decrease. बताइए बताइए बताइए. Entropy can, it is not asking about the entropy change. Entropy can never decrease. ठीक है,
नेक्स्ट 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 गवर्नर्स आर यूज्ड इन पावर प्लांट टू डायरेक्टली बताइए पावर प्लांट में गवर्नर का किस लिए इस्तेमाल करते हैं? यस टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वर्किंग फ्लूड, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वर्किंग फ्लूड लाइक इन केस ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइन. सपोज दैट आई एम गोइंग टू टॉक इफ अबाउट हाइड्रोलिक टर्बाइन. तो हाइड्रोलिक टर्बाइन में जब आप इसको गवर्न करते हैं तो पेन स्ट्रोक जो होता है ना, इन पेन स्ट्रोक इट इज नोजल. सो इनसाइड नोजल देयर इज अ स्पीयर. स्पीयर का मतलब भाला. स्पीयर का मतलब भाला. दिस इज स्पीयर. महाराणा प्रताप का भाला. तू भी है राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए. ठीक है, स्पीयर का मतलब भाला. एंड दिस भाला लाइक स्पीयर इज गवर्न बाय द गवर्नर. जब टर्बाइन, जब इंजन पे लोड घटेगा तो इंजन की स्पीड बढ़ेगी, जनरेटर की स्पीड बढ़ेगी, टर्बाइन की स्पीड बढ़ेगी. उस केस में हमको चाहिए कि वाटर की सप्लाई कम हो जाए. तो जब वाटर की सप्लाई कम चाहिए तो गवर्नर क्या करेगा, गवर्नर की फ्लाई बॉल्स बाहर जाएंगी, स्पीड बढ़ेगी, गवर्नर की रेडियस कम होगी, सॉरी रेडियस बढ़ेगी, हाइट कम होगी और फ्लाई बॉल्स ऊपर की तरफ जाएंगे. जब फ्लाई बॉल्स ऊपर की तरफ जाएंगी तो स्पीयर को अंदर पुश कर देंगे. जब स्पीयर को अंदर पुश कर देंगी तो क्या हो जाएगा, वाटर की सप्लाई कम हो जाएगी. तो क्या करेगा, वर्किंग फ्लूड की क्वांटिटी को कंट्रोल करेगा. हम द वेल्ड एरिया फॉर्म्ड बाय द रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस इज कॉल्ड नगेट. नगेट खाया कभी मैकडी वगैरह में जाके? नगेट. ओके, सो यहां पर देखिए एक प्लेट है, ये एक अनदर प्लेट है. दोनों को हमने कॉपर के इलेक्ट्रोड से मान लीजिए जोड़ दिया. कॉपर इलेक्ट्रोड यहां पर और एक कॉपर का इलेक्ट्रोड ऐसा यहां पर जोड़ दिया. ये टर्मिनल से लगा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है देख लेना. ये कॉपर का इलेक्ट्रोड 1 है, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड 2 है. जब यहां से करंट फ्लो होगी तो यहां पे आपका स्पॉट है. जब जब व्हेन द करंट फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर एंड अगेन हियर टू हियर, देयर इज एयर बिटवीन दिस एंड एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट. एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो एयर क्या करेगी, एयर इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करेगी. एयर यहां से इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करेगी पास होना, यानी कि एयर इज एक्टिंग एट एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस. एयर किसकी तरह एक्ट कर रही है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है. एंड वेयर एवर देयर इज अ रेजिस्टेंस देयर इज अ वोल्टेज ड्रॉप. तो यहां पे क्या होगा, वोल्टेज का ड्रॉप होगा. जब वोल्टेज का ड्रॉप होगा तो यहां पे हीट जनरेट होगी आई स्क्वायर आर टी और यहीं पे वेल्ड होगा. और यह वेल्ड कैसा बनेगा, नगेट की तरह. वेल्ड कैसा बनेगा, नगेट की तरह. तो दिस इज द let us assume this is the thickness of the nugget and this is the die of nugget. This is the nugget and this is the thickness of the nugget and this is going to be the die of the nugget. So you can use Unwin's formula, die 6 under root t. You can use the Unwin's formula to get the die of nugget 6 under root t. So this is called nugget. Which of the following statement is are true for manometers? तो manometers के regards में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? Manometers are easily to operate. Manometers do not require frequent calibration. Manometer के लिए कोई frequent calibration की जरूरत नहीं पड़ती. यानी कि ऐसा नहीं कि तुम इसको बार बार सेट करो, अरे टेढ़ा हो गया क्या सेट कर लेते हैं, अरे टेढ़ा हो गया क्या सेट कर लेते हैं, नहीं कोई जरूरत ही नहीं है. हाँ, मैनोमीटर स्टील का बना होता है, ये सिर्फ गलत बात है. मैनोमीटर किसका बनेगा, मैनोमीटर हम जनरली ग्लास ट्यूब का बना होता है जिसमें हम देखते हैं कि प्रेशर कितना है, लेवल कितना है. ठीक है, ये गलत बात है. ऑप्शन 1 and 2 सही है. कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर वेंचुरी मीटर इज इन द रेंज ऑफ. वेंचुरी मीटर का जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है वो किस रेंज में है, वेंचुरी मीटर का कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज किस रेंज में है?
ओ कास्टिंग से सारे क्वेश्चन आ गए, क्या बात है। ओ चलो कोई बात नहीं बच्चे। ठीक है तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कितना होता है बच्चे? एनीवन? 0.95 टू 0.98, बहुत बढ़िया। कितना? 0.95 से 0.98, वेरी नाइस। किस बॉयलर ट्यूब में इंक्लाइंड वाटर ट्यूब होती हैं? कोई बात नहीं। कौन है ये? सचिन। कोई बात नहीं डियर, कोई बात नहीं, आने दो। पेपर टफ, जिंदगी का युद्ध है, बहुत लोगों से लड़ना है भी। कोई ऐसा होगा जो तुम्हारी हड्डियां तोड़ेगा, कोई ऐसा होगा जिसकी तुम तोड़ दोगे, है ना? कोई बात नहीं। ठीक है चलिए इसका आंसर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लाइंड, तो कौन सा बॉयलर इंक्लाइंड है? बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। तो ये है आपका बॉयलर का ड्रम, ऐसा कुछ यहां पर। और आप देखेंगे तो वाटर ट्यूब्स बच्चे यहां पर ऐसे इंक्लाइंड होती हैं। ऐसे वाटर ट्यूब्स क्या होती हैं? इंक्लाइंड होती हैं, है ना, एट एन एंगल, नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लोडेड टाइप गवर्नर, इनमें से कौन सा लोडेड टाइप गवर्नर नहीं है? व्हाट डू यू मीन बाय लोडेड टाइप गवर्नर? तो लोडेड टाइप गवर्नर का मतलब क्या है बताइए फास्ट। What do you mean by a loaded type governor? A, बहुत बढ़िया, पोर्टल गवर्नर, प्रोटल गवर्नर, पिकरिंग गवर्नर, वॉट गवर्नर? 22 का ए आंसर करो। अरे इसका आंसर करो यार, कोई आंसर ही नहीं कर रहा क्या? कोई आंसर नहीं आ रहा मेरे पास। नहीं यार ऐसा तो हो नहीं सकता, कर तो रहे होगे। बहुत बढ़िया, देखो अब आंसर आए हैं, बीच में आंसर ही रुक जाते हैं पता नहीं क्यों, कुछ तो चक्कर है। बहुत बढ़िया। ओके तो बच्चे इनमें से जो गवर्नर है देखिए वो प्रोयल गवर्नर और पोर्टर गवर्नर, ये दोनों डेड वेट कैटेगरी में आते हैं। किसमें आते हैं? डेड वेट कैटेगरी, डेड वेट कैटेगरी में आते हैं। यानी कि इस पे एक डेड वेट रखा हुआ है, यानी कि इस पे लोड दिया हुआ है, इसके ऊपर एक डेड वेट रखा हुआ है, यानी कि ये इस पे लोड दिया हुआ है। अ डेड वेट इज केप्ट ऑन द स्लीव, सो इट इज काइंड ऑफ लोडेड गवर्नर। इन पिकरिंग गवर्नर, पिकरिंग गवर्नर इज यूज्ड इन ग्रामोफोन्स, सो पिकरिंग गवर्नर देयर इज अ हाईली कंप्रेस्ड स्प्रिंग, सो इट इज अ काइंड ऑफ लोड। अगर किसी चीज को हाईली कंप्रेस किया हो स्प्रिंग से, दैट इज अ काइंड ऑफ लोड दैट स्प्रिंग इज एक्सर्टिंग। स्प्रिंग, अगर आपने सपोज दैट यू आर गोइंग टू कंप्रेस द स्प्रिंग विद योर हैंड, तो स्प्रिंग क्या करेगा? द स्प्रिंग विल रेजिस्ट द कंप्रेशन एंड योर हैंड, योर पाम विल फील अ काइंड ऑफ लोड। तो आपका जो हाथ है एक टाइप का लोड फील करेगा। बट वाट गवर्नर में ऐसा कुछ नहीं है, पेंडुलम गवर्नर है। क्या है वाट? क्या है? पेंडुलम गवर्नर है, इसमें ऐसा कोई लोड है ही नहीं। इनसेंसिटिव, हाईली इनसेंसिटिव, बियॉन्ड द स्पीड ऑफ 80 RPM, ये गवर्नर 80 RPM के ऊपर बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव हो जाता है। सो देयर इज लिमिटेड प्रैक्टिकल यूज ऑफ द वाट गवर्नर, और यू कैन से देयर इज नो यूज ऑफ वाट गवर्नर। गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बताइए बच्चे, तो सबसे अरेंज द प्रोसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ दियर जॉइंट। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी? सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी वेल्डिंग में, उससे कम ब्रेजिंग में, और सबसे कम सोल्डरिंग में। तो सोल्डरिंग, ब्रेजिंग एंड वेल्डिंग। ठीक है नेक्स्ट पैटर्न। आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, इनमें से आपको ऑड वन आउट सेलेक्ट करना है। ऑड वन आउट आपको सेलेक्ट करना है। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉड्यूलस, इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ विस्कोसिटी। दिख ही रहा होगा साफ सा, साफ साफ दिख रहा होगा, क्लियर पिक्चर। मॉड्यूलस ऑफ विस्कोसिटी इन सबसे अलग है,
ये सब मटेरियल की प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ बता रहे हैं कि रिजिडिटी क्या है, कि आपको कितना डिफॉर्मेशन को कितना रजिस्ट कर रहा है। बल्क मॉडुलस क्या बता रहा है कि कितना प्रेशर लगाने से कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बता रहा है स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो क्या है, लेकिन बल्क ये मॉडुलस ऑफ विस्कोसिटी इन सब से अलग है और ये जाने क्या है। आइए इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। मे बी वसंत इट इज नथिंग, मे बी इट इज जस्ट गिवन टू कंफ्यूज यू दैट नथिंग मे बी। 26 का सी, बेटा सी तो नहीं आएगा, सी तो नहीं आएगा। ओके देखिए क्या पूछा बच्चे, अ बॉडी ऑफ वेट 3300 न्यूटन इज लाइंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन हैविंग अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स व्हिच कैन मूव द बॉडी व्हाइल एक्टिंग एट एन एंगल 25 विद द हॉरिजॉन्टल विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो यहां बच्चे देखिए हॉरिजॉन्टल ये एफ है यहां पर, और यहां पे क्या आएगा एफ कॉस 25, कितना आएगा एफ कॉस 25, और ये क्या आएगा एफ साइन 25, एफ साइन 25। दिस फोर्स विल ट्राई टू लिफ्ट द बॉडी, दिस फोर्स विल ट्राई टू पुल द बॉडी। ठीक है, तो एफ कॉस 25 इधर लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा म्यू एन के बराबर। So F cos 25 is equal to mu n, everything is given, just calculate and tell me the answer. I think here the answer will be option A. Okay, next. And guys, one more thing, मुझे ऐसा लगता है कि here the answer, यहाँ पे exactly आ रहा है क्या? I think you are getting answer as something 81 something or 87 exact. क्या आंसर इसमें 87 exact आ रहा है क्या? I don't think that you are getting 87.1 as exact answer. क्या आ रहा है क्या? Yes, I don't know why they have given the answer as 87.1. I don't know. Because it is ये आंसर 87.1 तो नहीं आएगा, इट इज आई थिंक इट इज 99 और 99 समथिंग, पता नहीं इन्होंने क्यों आंसर दे दिया। खैर चलो, द एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ शील्डिंग गैस इज अप्लाइड इन द प्रोसेस। Yes, it is metal active gas welding. Metal active gas welding. Metal active gas means it is not using inert gas. It is not using inert gas. Metal active gas welding. देखिए बच्चे हम carbon, we can also use carbon dioxide as a shielding gas. We can also use carbon dioxide as shielding gas. Even you can use oxygen also as shielding gas. Now it is strange कि सर क्या बोल रहे हो, ऑक्सीजन एज अ शील्डिंग गैस, ऑक्सीजन बच्चे भी हम शील्डिंग गैस में यूज कर सकते हैं एज अ शील्डिंग गैस, लेकिन जो उसका प्रपोर्शनेट होता है ऑक्सीजन का वो जनरली सिर्फ 4-6% ही आप यूज कर सकते हैं। उसको आप ब्लेंड बनाएंगे अलग अलग गैसेज में, अलग कोई इनर्ट गैस लेके आप ऑक्सीजन को ब्लेंड बना के 6-8% का आप उसको यूज कर सकते हैं एज अ क्या बोलते हैं शील्डिंग गैस। ठीक है, यहां पे आएगा मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। नेक्स्ट पे आते हैं, नहीं डियर ऑक्सीजन कहां यूज कर पाओगे, टीआईजी में हम सिर्फ क्या यूज करते हैं इधर हीलियम और आर्गन। बताइए ये कैसा डिफेक्ट है, लाइक हॉट टीयर्स, दिस इज अ restraint of contraction, restraint of contraction, this is hot tears, restraint of contraction, है ना, जब दो अलग अलग like fluid की stream आ रही है और दोनों में contraction का restraint है, दोनों properly fuse नहीं हो पा रही है, so there might be some unfilled section there, कुछ कुछ ऐसे section होंगे जो थोड़े से unfilled हो जाएंगे, that is called आपका hot tears।
नेक्स्ट लगाया क्या, हॉट ट्यूब्स. नेक्स्ट, बिटवीन टू कंसेंट्रेटेड लोड्स द शेयर फोर्स डायग्राम फॉर एनी पार्ट ऑफ द बीम इज. बिटवीन टू शेयर फोर्स, बहुत बढ़िया बच्चे. देखिए अगर यहां पर दो शेयर फोर्स लगेंगे, यहां पर इसके बीच का जो शेयर फोर्स डायग्राम आएगा, बिटवीन टू कंसेंट्रेटेड लोड द शेयर फोर्स डायग्राम फॉर एनी पार्ट ऑफ द बीम, इसके बीच का जो शेयर फोर्स डायग्राम आएगा वो क्या आएगा, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. क्या आएगा, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेल यू, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेल यू हियर, जैसे समझिए कि मान लीजिए यहां पर एक सिंपली सपोर्टेड बीम मैं ले रहा हूं यहां पर, और एक ये रोलर सपोर्ट है और ये क्या है, फिक्स सपोर्ट, हिंज और एक रोलर सपोर्ट. मान लीजिए यहां पे कोई लोड लग रहा है, लाइक एक लोड यहां लग रहा है ऐसे 20 का, एक लोड यहां पर लग रहा है मान लीजिए 10 का, ठीक है. आप रिएक्शन निकाल लेंगे, आर ए एंड आर बी आप निकाल लीजिएगा. अगर आपको ये लेंथ गिवन है 111 समथिंग कुछ गिवन है, आर एंड आर बी निकाल लेंगे. मान लीजिए मैं यहां बना रहा हूं कुछ ऐसा. अब देखिए आई डोंट नो द मैग्नीट्यूड बिकॉज द लेंथ इज नॉट गिवन हियर, सो यू कैन नॉट फाइंड आउट द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड, बट स्टिल आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द डायग्राम. जैसे मान लीजिए आर बी ऐसा, फिर यहां से आ गया, फिर यहां कुछ ऐसा ड्रॉप होगा, फिर यहां कुछ ऐसा जाएगा, फिर यहां ड्रॉप होगा, है ना. या ऐसा मान लो कि इधर, अब मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा कि आरबी ज्यादा है या 20 ज्यादा है, ठीक है. सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल अबाउट द मैग्नीट्यूड, जस्ट गोइंग टू टेल अबाउट द नेचर ऑफ द ग्राफ. तो यहां पर कुछ ऐसा आएगा, फिर लाइक अगर और कम हुआ तो यहां ड्रॉप होगा, अगर बराबर हुआ तो पूरा जाएगा. यानी कि कहने का मतलब क्या है, इसके बीच में हमेशा क्या रहेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन. मेरे कहने का मोटिव सिर्फ यह है कि इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन. अब इसको मैं हटा दूं, क्योंकि अगर मैं इसको नहीं हटाऊंगा तो अभी तक तो ठीक है, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी. तो इस डायग्राम को मुझे हटाना बहुत जरूरी है. एज इट इज मैं पीडीएफ, तो ये डायग्राम के साथ मैं पीडीएफ बिल्कुल नहीं भेज सकता. नेक्स्ट, डैश इज यूज टू मिनिमाइज स्प्लैश एंड टर्बुलेंस व्हेन मेटल इज फ्लोन इनटू अ डाउनस्प्रू. डाउनस्प्रू, यू नो डाउनस्प्रू, दिस इज कॉल्ड स्प्रू, दिस इज कॉल्ड स्प्रू, दिस इज कॉल्ड स्प्रू. इसमें मेटल फ्लो कहां से होता है, एक पोरिंग कप से. कहां से, एक पोरिंग कप. तो आइए इसमें ऐड करते हैं एक पोरिंग कप, इसमें ऐड करते हैं एक पोरिंग कप. तो आप इसमें मेटल को ऐसे बाल्टी से, इसमें मेटल को क्या करोगे, पोर करोगे. तो मेटल यहां से यहां फ्लो होगा, फिर इसके बाद यहां पे लगा होगा एक स्किम बॉब एंड अगेन इट इज अ रनर. एक स्किम बॉब लगा होगा, फिर रनर लगा होगा, और फिर यहां पे आपका मोल्ड कैविटी वगैरह बनेगी, यहां पे आपका राइजर बनेगा. तो इसे क्या बोलते हैं भैया, पोरिंग कप. क्या बोलते हैं, पोरिंग कप. ओके, तो लास्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक फॉर द टुडे. आइडेंटिफाई ऑफ वन आउट. ओहो, ऑफ वन आउट, न्यू वर्ड of dictionary. Identify odd one out of the following options with respect to the position of the boiler. Locomotive, Cochrane boiler, Cornish boiler, Lancashire boiler. B. Locomotive. Okay. Guys, this cockroach boiler, locomotive boiler, yani ki A, C and D, locomotive, Cornish and Lancashire, these all three are horizontal fire tube boiler. Horizontal boiler, horizontal fire tube boiler. But the Cochrane boiler is vertical fire tube boiler. It is having vertical fire tube. So this is odd. Isko hatao. Option B is correct. ठीक है, आइए तो यहां पे सेशन गाइस एंड करेंगे और आप सबसे मुलाकात होगी फिर कल 9:15 AM पर अपनी मास्टर क्लास में, अगेन 1:30 PM पर अपनी मास्टर क्लास में, उसके बाद अगेन 7 से 9 तक एज इट इज हम रहेंगे यूट्यूब पर एक साथ. आइए, तो वक्त है आपको टेलीग्राम चैनल से जोड़ने का, तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप जरूर फॉलो करेंगे. यूट्यूब खोलेंगे, यूट्यूब मतलब आपके पास तो ऑलरेडी ओपन है, मैं आपको दिखा रहा हूं. आप यूट्यूब जैसे ही ओपन करेंगे यहां पर देखिए आपको शो मोर करेंगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा और आपको मेरी मास्टर क्लास का लिंक इसी चैनल से डायरेक्टली दिख जाएगा. राहुल सर मास्टर क्लास आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, सारी मास्टर क्लास का लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा. और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा राहुल मिश्रा सर टेक्स्ट बुक, तो आप आएंगे यहां पर, इसको ज्वाइन करिएगा, ठीक है. चलिए,
और अगर आप चाहते हैं डियर यहां पर कि आपको मिले स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी वन कैटेगरी टू या फिर एजे मैकेनिकल का पूरा सेक्शन पूरा सेगमेंट आपको मिले ह्यूज डिस्काउंट पर, तो आप इस पे आ सकते हैं टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर, यहीं से ओपन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही लिंक पे क्लिक करके ओपन करिएगा। 6 महीने 12 महीने 3 महीने का जो भी कोर्स आपको एलिजिबल लगे, यानी कि आपको लगे कि जो आप अफोर्ड कर सकते हैं वो आप ले सकते हैं, तो RMISHRA कोड लगाएंगे और आपको मिल जाएगा अच्छा खासा डिस्काउंट। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पे बाय नाउ करना है 6 महीने का प्लान आप ले सकते हैं, प्लान को चेंज कर सकते हैं। अभी 6 महीने का आपको 4289 रुपए का है, तो आपको इतना नहीं करना है पे, आर मिश्रा कोड अप्लाई करना है और आपको ये पूरा पड़ जाएगा डिस्काउंट पे। अगर आप कोड नहीं लगाएंगे तो आपको ये पड़ेगा 4400 समथिंग का, और अगर आप कोड लगाएंगे तो 4289 का पड़ जाएगा। ओके गाइस, तो शुभ रात्रि, शब्बा खैर, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, महकते रहें और जहां को महकाते रहें। कहते हैं कि जहां रहेगा रोशनी फैलाता रहेगा, चिरागों का अपना कोई मकान नहीं होता, तो किसी भी चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता, वो जहां पर रहेगा रोशनी को फैलाता रहेगा, तो आप भी चिराग बनिए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।